दोस्तों हम पैसा कमाने के बारे में ज़्यादातर जोर दे रहे हैं ताकि लोग पैसा कैसे कमाएं, कैसे अपना इनकम बढ़ाएं, उसी के करी में एक है कि शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब लोग जानते, तो शेयर मार्केट कैसे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, कैसे हैं शेयर मार्केट, क्या है, कैसे इसके पैसे लगाते, कैसे कमाते हैं हम आपको बताने। शेयर मार्केट को आम तौर से ऐसे कहा जाता है, शेयर मार्केट या शेयर मार्केट बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको यह बिल्कुल सही रास्ता है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें पढ़ने के लिए शेयर बाज़ार से जुड़े हर सवाल का हम जवाब देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्टि मिलेंगी। तो शेयर मार्केट में क्या है कि शेयर मार्केट को फुल फॉर्म नॉलेज, इससे जुड़े सवाल के बारे में हम बताएंगे। शेयर मार्केट में कितना कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में कैसे कैसे सीखें, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाएं, ये सारी बात का। शेयर मार्केट में कितना रिस्क है, कितना जोखिम है, और शेयर मार्केट में रातों रात कैसे लोग करोड़पति बनते हैं। तो मेरा वीडियो को ज़रा दिल थाम के देखिएगा, आपको बड़ी काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम आपको शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, साथ साथ बाज़ार में कैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस कंसेप्ट, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट जितना रिस्की समझते उतना है नहीं, लेकिन अगर नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज जाना है, नॉलेज गेन करने के बाद ही शेयर मार्केट में जाए। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर BSE और NSE के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी, सेंसेक्स और टॉप कंपनियों में पैसा निवेश कर शेयर होल्डर बन सकता है। तो बाज़ार का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पे शेयर बाज़ार में खरीद बिक्री जा सके, शेयर की जो है ना खरीद बिक्री जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट ऐसी जगह है, बहुत सारी कंपनियों लिस्टेड होती है, वे उन सभी कंपनियों पे कुछ भी शेयर करना कर सकते हैं, खरीदे बेच सकते हैं, अलग अलग उनके प्राइस होते हैं। तो अब चलते हैं, तो लोग शेयर मार्केट में खरीदते क्यों हैं। शेयर मार्केट से शेयर खरीदते और शेयर की प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं या पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी अगर शेयर प्राइस कम होता है तो उसे बेचने पर नुकसान होता है। तो आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है, कुछ आज होगा कुछ कल होगा, यह होता रहता है। इसलिए आपको स्मार्टली काम करना है, इसमें कैसे काम करना। लेकिन वही दूसरी तरफ शेयर प्राइस कम हो जाता है तो लोग बेचने पर भी नुकसान हो जाता है। लेकिन बता दें कि शेयर मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहे, कुछ कम है कुछ होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते ताकि उनके फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वो बंदा अमीर बन सके। तो शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं जितना कि बेसिक टर्म आपको इसके लिए पता चलना चाहिए। सबसे पहले जैसे सेवी का क्या है, सेवी एक कंट्रोलर है। सेवी क्या है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। सेवी का नॉलेज जानना है, शेयर मार्केट वही कंट्रोलर होता है शेयर मार्केट का। इसके अलावा आपको IPO, डीमैट, सेंसेक्स, निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ को आपको जानकारी रहना पड़ेगा। तो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए है तो थोड़ी बात आसान शब्दों में हम इसे बताते हैं। शेयर मार्केट में नए लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनके लिए है, जब भी आप शेयर मार्केट में आते हैं बेच करते हैं, तो एग्जांपल से मान लीजिए कि कोई आदमी कंपनी स्टार्ट करता है, कुछ समय तक कंपनी बहुत अच्छी चली, बाद में कंपनी को आगे बढ़ाना है जिसके लिए 10 लाख रुपये की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में अपने फैमिली फ्रेंड इससे लोन ले सकते हैं। तथा ऐसे में क्या करेंगे, शायद आपको ये सोचने कि बैंक से लोन ले लूँगा, कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको पता है कि कम ब्याज काफ़ी है, ब्याज काफ़ी पर कैसे पैसा देंगे। इसलिए आप जब भी आप करेंगे तो काफ़ी नुकसान में रहे। लेकिन एक तरीका ये है कि आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और कंपनी में शेयर जारी करवा दें, जिस द्वारा आपको कंपनी में पैसा लोग लगाएंगे। तो जब शेयर मार्केट IPO लाएँ तो कंपनी की लिस्ट हो जाती है, उसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है और जनता के लिए शेयर जारी करती है और लोगों से पैसा जुटाती है। तो ये आम बात है
लेकिन अब सवाल आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करना है, आता है ना, नए कंपनी है जिसको हम जानते नहीं, किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे किया जाता है। अगर आपको 10 लाख की ज़रूरत है तो सबसे पहले शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपया आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। कहाँ से? तो इसको आप कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज BSE में लिस्ट करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, BSE और NSE में लिस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। BSE का मतलब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिस पर 4000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं। इस तरह शेयर मार्केट में आपको बड़ा काम आएगा। तो कंपनी अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर लिस्ट करने के लिए सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले जाना पड़ता है SEBI के पास। SEBI के पास अपनी कंपनी के सारे डिटेल देनी पड़ती है। एक बार SEBI आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूव कर देती है, उसके बाद आप कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकते हैं। अब आप पहली बार अपनी कंपनी को शेयर बेचने जा रहे हैं, आपको 10 लाख रुपये की ज़रूरत है, आप 100 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे। इसी को बोला जाता है IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी अपनी पहली बार शेयर निकालती है और शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे IPO बोला जाता है। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी में आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो सारे शेयर बिक जाएंगे तो 10 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में होगा। तो इस तरह आपने समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है। तो अब यह तो आपने समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है, अब समझते हैं कि शेयर क्या होता है। हैं, आपको जानना होगा शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब है कि उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है, और अगर कंपनी लाभ कमाती है, प्रॉफिट में आती है, तो आपको भी आपके शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी नुकसान में जाती है तो नुकसान के हिसाब से आपका उतना ही जितना शेयर उतना नुकसान होगा। मान लो आपके कंपनी का कुल शेयर 100 शेयर है, जिसमें से 10 शेयर आपके पास है, आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक होंगे। ठीक उसी प्रकार किसी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से मालिक होते हैं। जितना आपका शेयर होगा आप कंपनी के शेयर ब्रोकर के बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब शेयर खरीदेंगे कहाँ से? आप किसी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर के कुछ साइट और ऐप्स है जिसका आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा है, अप स्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, शेयर खान इत्यादि है। इन सब ब्रोकर की ऐप पर वेबसाइट पर जाकर शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यह तो हुई आपकी बात। अब आइए कि कैसे करते हैं, शेयर बेच सकते हैं, किसी करते हैं। शेयर मार्केट क्या है? शेयर की कीमत कैसे बढ़ती और घटती है? शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर का भाव प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता है घटता है। मांग और पूर्ति के आधार पर कंपनी है ना शेयर का मूल्यांकन होता है, और इसी तरह आपकी कंपनी के भाव बढ़ते हैं। साथ साथ जब किसी शेयर के डिमांड बढ़ती है तो उसका भाव बढ़ता है, और जब डिमांड घटती है तो उसका भाव घटता है। इसलिए भविष्य में जिन सेक्टर कंपनियां में डिमांड रहने वाली है उस शेयर का पैसा लगाए, जैसे टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जो हाई डिमांड में फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाले हैं। अगर कंपनी के शेयर के ज़्यादा डिमांड होती है तो सप्लाई कम होती है, और जब उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है, शेयर का प्राइस घटता है। हर प्रकार के कंपनी जो है शेयर का मूल्य प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी कंपनी या लिस्टेड कंपनी होते हैं जो रोज कारोबार करती है, उसे कभी मुनाफा होता है तो कभी नुकसान होता है। इसलिए समय समय पे आप कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव भी आता है और उसका इफेक्ट आपके
शेयर खरीदेगा शेयर पर भी आता है। तो हमें करना क्या है कि कंपनी में शेयर बाजार बीमा है तो नुकसान होता चढ़ा होता है कम है। जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है कंपनी मुनाफा कमाती है तो सारे इन्वेस्टर को उसे शेयर खरीदने लग जाते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जब घाटा होता है लॉस होता है तो आपको नुकसान होता है शेयर में। अब आप एक एग्जांपल से बताते हैं कि 2007 से लेके 2019 तक से रिलायंस इंडिया के एक शेयर की कीमत 1500 के आसपास है, लेकिन आज जियो के लॉन्च होने के बाद कंपनी के इनिशिएटिव और उसके व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया और इसका रिलायंस का जो शेयर है वो 2000 से ऊपर चले गए हैं। तो इस तरह शेयर का भाव घटते बढ़ते रहते हैं। आज आपको एग्जांपल के जैसे जैसे फ़ायदा कंपनी को होते हमें देखते कम है। अब आता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदे, तो आप रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप शेयर मार्केट क्या है इसकी बेसिक नॉलेज हो गई है तब आते हैं कि शेयर को कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं, हम इसके ऊपर में बातें करते हैं। शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए बोलियाँ लगाई जाती है, मतलब कि शेयर की नीलामी की जाती है। जब इसमें जो विक्रेता कंपनी कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार है तो उसे खरीदार उसे खरीद लेते हैं और दोनों के बीच का जो आदान प्रदान होता है, इस प्रकार जो बेचे खरीदे जाते हैं ये ऊंची बोली लगाता है वही शेयर को खरीद लेता है। तो इसमें फ़ायदा भी होता है कभी कभी नुकसान भी होता है, ज़्यादातर आपको फ़ायदा ही होता है। इसे एक बिड प्राइस या आस्क फॉर मनी कहते हैं। विक्रेता जब कभी किसी कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है तो बिड प्राइस बोलते हैं। बिड इस अध्ययन ये टर्मिनोलॉजी सब है। खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए आता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं, बिड प्राइस आस्क प्राइस, समझ गए ना। कंपनी का शेयर कैसे करता है खरीदें, किस कंपनी का शेयर खरीदने में के लिए आपको तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, वो क्या है तीन चीज। पहला क्या है, सबसे पहले आपका एक सेविंग बैंक होना चाहिए, नंबर एक बात, जिसमें आपके बैंक में पैसे अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करके शेयर खरीद सकते। दूसरा है डीमेट अकाउंट, जब किसी कंपनी का डीमेट शेयर खरीदते हैं तो उसे कंपनी के हिस्सेदारी उसकी मिलती है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ भी होता है, होना भी चाहिए। अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आपको बता सके कि मेरा पैसा किस कंपनी में लगा हुआ है, कंपनी में कैसे पैसा खरीदा है। डिजिटल फॉर्म के प्रूफ में ये आपको डीमेट अकाउंट का स्टोर हो जाता है। जब आप इसमें खरीदते बिकते हैं तो आप एक डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और एक तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE NSE में आप शेयर खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, साथ साथ एंजल ब्रोकिंग जीरोधा आदि भी है जिन पर आप जाकर अपना शेयर को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये बातें आपके लिए बहुत अच्छी है, प्रूफ फिगर रुपये आपके अकाउंट में सीधे पैसा एक आपके अकाउंट में चला जाता है। अब आते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने के तरीके, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के हम कई तरीकों बताते हैं। कुछ तरीके हैं जो ऐसे हैं कि शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ने पर उसे बेच कर हम पैसा कमाते हैं, यह तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से इस तरह करके आप पैसा कमा सकते हैं। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड यानी प्रॉफिट हिस्सा देती है, इसका हिस्सा भी शेयर होल्डर्स होता है। इंट्राडे में क्या है कि शेयर मार्केट में आप शॉर्ट ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, शेयर बाजार में दूसरे सेगमेंट में ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाते हैं, फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, आप पैसा कमा सकते हैं। शेयर आप अब चलते हैं कि शेयर कब खरीदें कैसे खरीदें उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। एक बार जब आप शेयर खरीदते हैं खरीदना बेचना चाहते हैं तो आपके मन में डाउट आता है कि आखिर किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदकर आप अच्छी ध्यान रखें, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छा रिसर्च कीजिए, उसके पिछले साल के सालों के प्रॉफिट और लॉस के हिस्ट्री को देखें, जब कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को अच्छी तरह से देखें, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता लगा लें,
कंपनी के बैलेंस शीट को देखिए, अच्छा से पढ़ लें। इसके अलावा वेबसाइट जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, NDTV, जो भी है, जो भी बिजनेस न्यूज है उसके ऊपर जाकर आप न्यूज देखें। शेयर मार्केट में आपकी पैसा लगाकर आप पैसा कमा सकते हैं, तो इस तरह आप पैसा कमा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो हमारी बातें कैसी लगी आपको शेयर मार्केट के बारे में, आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या है कि आपको शेयर मार्केट का एक जो बेसिक नॉलेज है हमने आपको दे दिया है। आपको हम अगली वीडियो भी हम आपके पास लाते रहेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा तो आप उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कि अमीरी के रास्ते में, अमीर बनना है अमीरी के रास्ते में, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को। आप अपने शेयर मार्केट क्षेत्र में बिजनेस कीजिए और पैसे लगाइए और अमीर बनिए। थैंक यू।